दोस्तों कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक एक्सपेरिमेंट वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसी एक्सपेरिमेंट को हम आपके सामने पूरा डिटेल में समझा के एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट किस तरह हुआ था आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूरत होगा हैंड ग्लोव्स का, जो सेफ्टी के लिए पहले ज़रूरत होता है, हमारे पास हैंड ग्लोव्स भी है। तो उसके बाद ज़रूरत होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, यह 30%। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड घर पर यूज़ करते हो वो है 3% कॉन्सेंट्रेटेड, और ये 30% कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उससे ज़्यादा पावरफुल ये है। तो आप प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इससे आप घर पर बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये अगर एक बूंद आपके स्क्रीन के ऊपर गिर गया तो आपको स्क्रीन की पूरी तरह जला देगी। तो इसे साइड कर लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात ज़रूर होगा पोटासियम परमानेंट का, और ये आपको किसी भी जो केमिकल शॉप पर इजीली मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका हाफ केजी का प्राइस है 546 रुपीज़, और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये आपको 500 ml का मिलेगा, और ये 328 रुपीज़। और ये दोनों चीज़ को छोड़ के और एक चीज़ का ज़रूरत होगा, वो है जो शैम्पू आप यूज़ करते हो हेयर पे, वो शैम्पू नहीं तो आप डिश बार जो क्लीन होता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हम सिंपली क्या होगा, आपको डिटेल में पूरी वीडियो इस डिटेल में आपको दिखाते हैं, और वीडियो एंड तक जरूर देखिए प्लीज़। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। दोस्तों एक्सपेरिमेंट करने से पहले जान लेते हैं एक्सपेरिमेंट है क्या है। दोस्तों एक्सपेरिमेंट है हमें किसी के मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें इस प्रयोग करने के बाद हमें पता चलेगा आखिर में ये जो चीज़ हम कर रहे हैं इसे करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, हम इससे क्या आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसे, इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंट है। तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसे एक्सपेरिमेंट करके कुछ आगे करने के लिए। तो प्लीज़ अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम वीडियो करते हैं अगर फेल हो जाता है तो आप टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम और ख़तरा वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट तो यही होता है कि हम एक चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं उसको प्रयोग करके हम जानेंगे एक्चुअली में इसमें इसे करने से क्या होता है और क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं पूरा सेफ्टी के साथ करते हैं। पहले इसे क्या करते हैं, खोल के इस प्लास्टिक डिब्बे के अंदर डाल देते हैं। सिंपली मैं यूज वन थ्रो ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया है, और इसमें मिलाते हैं पोटासियम परमानेंट। थोड़ा सा खाली कर लेते हैं इसे। और इस ग्लास में थोड़ा सा मिलाते हैं। पहले से साइड कर लेते हैं। और अभी क्या करेंगे, ये जो डिब्बे में हमने डाला था हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें क्या मिलाएगा, शैम्पू थोड़ा मिला देते हैं झाग बनाने के लिए। अब इसे शैम्पू की जगह डिश वॉश भी ले सकते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपली क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए
अगर एक बूंद ही आपके स्क्रीन के ऊपर गिर जाएगी तो आपके स्क्रीन को जला सकती है। पूरा केयरफुल से काम करना है। अब ये पोटेशियम मैग्नेट का जो सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, इस तरह अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इस ग्लास को भी मिला, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। अब हमारा सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। जैसे ही हम इस पोटासियम जो परमानेंट का जो सॉल्यूशन है, इसे जैसे ही मिक्स करेंगे तुरंत इसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा। देखा थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो उधर हो गया, लेकिन मेरे हाथ के ऊपर थोड़ा सा गिर गया था, इसे मैं ठीक कर लूँगा। चलिए पास में चल के देखते हैं क्या हुआ है। बहुत गर्म भी है तो सिंपली क्या जैसे हमने सोचा था कोई बड़ा बिग सा एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।